नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑल राउंडर में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको कर्ण प्रयाग, जो पंच प्रयाग में से एक है, उसके इतिहास के बारे में अपनी वीडियो के जरिए आपको अवगत कराती हूँ। ये वीडियो पूरा देखना ना भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कर्ण प्रयाग उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत गढ़वाल मंडल के चमोली जिले का एक कस्बा है। यह अलकनंदा तथा पिंडर नदियों के संगम पर स्थित है। पिंडर का एक नाम कर्ण गंगा भी है, जिसके कारण ही इस तीर्थ संगम का नाम कर्ण प्रयाग पड़ा। यहाँ पर उमा मंदिर और कर्ण मंदिर दर्शनीय है। कर्ण प्रयाग का नाम कर्ण पर है, जो महाभारत का एक केंद्रीय पात्र था। उसका जन्म कुंती के गर्भ से हुआ था और इस प्रकार वह पांडवों का बड़ा भाई था। यह महान योद्धा तथा दुखांत नायक कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों के पक्ष में लड़ा। एक किंवदंती के अनुसार आज जहां कर्ण को समर्पित मंदिर है, वह स्थान कभी जल के अंदर था और मात्र कर्ण शिला नाम का एक पत्थर की नोक जल के बाहर थी। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने कर्ण का दाह संस्कार कर्ण शिला पर अपनी हथेली का संतुलन बनाए रखकर किया था। एक दूसरी कथा अनुसार कर्ण का यहाँ अपने पिता सूर्य की आराधना किया करता था। यह भी कहा जाता है कि यहाँ देवी गंगा तथा भगवान शिव ने कर्ण को साक्षात दर्शन दिया था। पौराणिक रूप से कर्ण प्रयाग की संबद्धता उमा देवी यानी पार्वती से भी था। उन्हें समर्पित कर्ण प्रयाग के मंदिर की स्थापना 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य द्वारा पहले हो चुकी थी। कहावत है कि उमा का जन्म डिमरी ब्राह्मणों के घर संकरी सेरा के एक खेत में हुआ था, जो बद्रीनाथ के अधिकृत पुजारी थे और इन्हें ही उसका मायका माना जाता है, तथा कपड़ीपट्टी गांव का शिव मंदिर उनकी ससुराल होती थी। कर्ण प्रयाग नंदा देवी की पौराणिक कथा से जुड़ा है। नौटी गांव, जहां से नंदा राजा यात्रा आरंभ होती है, इसके समीप है। गढ़वाल के राज परिवारों के राजगुरु नौटियालों का मूल घर नौटी का छोटा गांव कठिन नंदा राजा यात्रा के लिए प्रसिद्ध है, जो 12 वर्षों में एक बार आयोजित होती है तथा कुंभ मेला की तरह महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह यात्रा नंदा देवी को समर्पित है, जो गढ़वाल एवं कुमाऊं की इष्ट देवी है। नंदा देवी को पार्वती का अन्य रूप माना जाता है, जिसका उत्तराखंड के लोगों के हृदय में एक विशिष्ट स्थान है, जो अनुपम भक्ति तथा स्नेह की प्रेरणा देता है। नंदा अष्टमी के दिन देवी को अपने ससुराल हिमालय में भगवान शिव के घर ले जाने के लिए राजजात यात्रा आयोजित की जाती है, तथा क्षेत्र के अनेकों नंदा देवी मंदिरों में विशेष पूजा होती है। कर्ण प्रयाग पंच प्रयागों में से तीसरा है। यहाँ पर अलकनंदा और पिंडर का संगम स्थल है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताना, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।